हेलो। तो आज हम सीखेंगे केला परोटा बनाना। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि कैसे केला परोटा बनाया जाता है, मगर बन ही नहीं रहा था। फिर हमने लक्ष्मी नाया व्लॉग्स देखा था और उसकी मदद से हम बनाने जा रहे हैं आज केला परोटा। तो प्लीज स्टे ट्यून गाइस, देखिए बहुत इजी है और बहुत मजा आने वाला है और होटल जैसा केला परोटा घर पे बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केला परोटा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 केजी मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर लिया है। अब इसी में हम हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा स्पेस बना के अब हम इसमें अपना सारा इंग्रेडिएंट्स डालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसमें डालेंगे एक अंडा, पूरा अंडा हम इसमें डाल देंगे योग के साथ। अब हमने एक अंडा डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक कैसे जैसे कहा जाता है स्वाद अनुसार, तो स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। और इसमें हमने डाला है वेजिटेबल ऑयल, रफली 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है हमने। और हम इसमें शक्कर डालेंगे, तो 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। और गुनगुने पानी से इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। तो पहले इसको मिक्स करने के बाद गुनगुने पानी से इसको हम गूंद लेंगे। आपका आटा जो गूंधेगा वो ना ज्यादा सॉफ्ट होगा ना ज्यादा हार्ड होगा, तो उस प्रोपोर्शन में हमको आटा गूंदना है। धीरे धीरे हल्का गुनगुना पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे, एक साथ पूरा पानी मत डालिएगा। तो यहाँ पे हमने हमारा आटा गूंद लिया है, ये ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है ज्यादा हार्ड भी नहीं है, वैसे हमने गूंद लिया। और इसको हम ढक के रख लेंगे 4 घंटे के लिए। तो तेल लगा के इसको ढक के रख लीजिए 4 घंटे के लिए। तो 4 घंटे के बाद हमारा जो डो है वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा, देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। 4 घंटे हमने इसको रेस्ट करने दिया था। अब इसको हम एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं। अब गूंदने के बाद रफली हमने इसके पेड़े निकालना स्टार्ट किया है। आप 1 केजी जो मैदा लोगे उससे आप आराम से 25 से 30 केरला परोटा बना सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम रफली पेड़े निकाल के रख रहे हैं। ये रेसिपी एक्चुअली हमको लक्ष्मी नायर व्लॉग से मिली थी। हमने बहुत सारे वीडियोस ट्राई किए थे यूट्यूब में जो थे कि केरला परोटा कैसे बनाना है, मगर बन ही नहीं रहा था। मगर इस रेसिपी से आप इजीली केरला परोटा बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने पेड़े निकाल के रख लिए हैं और अलग से मैंने एक कटोरी में तेल और यहाँ पे मैदा निकाल के रख लिया है। और इसकी मदद से हम अपना केरला परोटा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दीदी रोटी बनाना स्टार्ट कर रही है। ये जो आप रोटी बनाएंगे करीब रोटी शेप का बनाना, मगर ये ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ज्यादा मोटा, उसके बीच का बना के ऐसे स्टैक वाइज हमको रखना है। तो एक के ऊपर एक हम रखते जाएंगे और जब हम रख रहे हैं तो उसके ऊपर तेल और मैदा लगाएंगे। तो यहाँ पे ये एक रोटी रखी है, इसके ऊपर तेल लगा दिया। तेल आप अच्छे से लगाएंगे, कोई भी एंड छूटना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा हल्का मैदा उस पर छिड़क के रोटी ऐसे हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने 10 रोटी का एक स्टैक बनाया है। आप ऐसे 10-10 करके हम उसको अरेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 10 का एक बना दिया। अब इसके ऊपर तेल लगा दीजिए और थोड़ा सा मैदा उस पर छिटक के बस उसको ढक के रख लीजिए। तो यहाँ पे दीदी अच्छे से तेल लगा रही है। तेल हर एंड में लगना चाहिए, वो उसकी USP है समझ लीजिए। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिए। आपका स्लैब पूरा गंदा होने वाला है, मगर ट्रस्ट मी जब आप परोटा बनाओगे ना बहुत ही यम्मी सॉफ्ट परोटा निकलेंगे। तो इसको हमने ढक के रख लिया। अब ऐसे ही बाकी हम जो आटा है उसके बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे दीदी जब तक बनाना स्टार्ट करिए, मैं यहाँ पे फिर से मैदा छिड़क देती हूँ और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दीदी बेलना स्टार्ट करती है, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डाल देती हूँ क्योंकि पहली रोटी इसके ऊपर आएगी और कुछ स्लैब पे चिपकने नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे डाल दिया मैदा। और दीदी अभी यहाँ पे रोटी डाल देगी, मैदे की जो रोटी, अभी वो परोटा नहीं बना है गाइस, तो उस पर हम वो डाल देंगे और फिर तेल और मैदा ऐसे छिड़कते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए 1 केजी से ऐसे 30 हमने बना दी, करीब 25 से 30 आप इजिली बना सकते हो, मैंने कहा वही है। अब इसको हम ढक के रख देंगे और
1.5 hours के लिए इसको रेस्ट देंगे, ठीक है। तो उसको अब हम रेस्ट करने देते हैं, अच्छे से इसको रेस्ट करना जरूरी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पहले हमने 4 घंटे के लिए रखा, अभी हम इसको रख रहे हैं 1.5 hours के लिए। तो अभी हमने 1.5 hours के बाद इसको निकाल दिया, अब मैजिक स्टार्ट होगा गाइस। जो मैजिक जो है वो परोटा का वो यही है, ये देखिए। तो एक एंड से इसको हम खींचेंगे, ये देखिए कितना इजी निकल रहा है। अगर आपको बीच में से थोड़ा क्रैक हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अच्छे से जब आपने मैदा लिया उसको छाना नहीं होगा इसलिए है। तो आप मैदा हमेशा छानिएगा लेने से पहले, गूंदने से पहले। तो यहाँ पे दीदी ने उसको फ्लावर बनाना स्टार्ट किया, जिनने भी केरला परोठा खाया है उनको पता है। तो ये उसका मेन स्टेप होता है फ्लावर्स बनाना, जो हम बचपन से देखते आते थे जब केरला में बनता था। तो ये फ्लावर बन रहा है और उसको टैप करना है, देखिए कितने अच्छे परत उसमें अभी से बन गया। अलग अलग रख दीजिए, मैं एक और बार दिखाती हूँ कितना इजीली बन रहा है। अगर आपका बीच में थोड़ा फट भी जाता है, जैसे वो फट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटता है बीच बीच में, चल जाएगा। आप उसको स्मूथली दोनों हाथों से धीरे धीरे निकालिएगा और ये बन गया आपका सेकेंड गोला। ये उसको आप राउंड 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 करिए तो ये एक्चुअली ये परत बन जाएगी। मैं एक और बार आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत मैजिकल लगता है कि कैसे जो रोटी वो इतनी इजीली निकल के आ रही है। तो ये बहुत इजी रेसिपी है बनाने में और आपका परोठा ट्रस्ट में बहुत सॉफ्ट निकलेगा। हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की मगर ये जो उनने व्लॉग में बताया था, लक्ष्मी नायर व्लॉग्स में, ये ईजी है और टेस्टी बनेगा आपका परोठा। तो ये थोड़ा फटके आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्के हाथों से उसको धीरे धीरे निकालते जाइए एंड देयर यू आर, आपका केला परोठा बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पूल बन गया। ऐसे पहला एक बैच जिसमें हमने 10 रोटियां रखी थी उसको हम पहले बैच को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 हमारे फूल की गोले निकाल के रखे हैं, ये रहे, और अब इससे हम परोठा बनाएंगे। तो ये जो निकला है ना इससे अच्छी परत बनेगी। तो हल्के हाथों से अब इसको हम रोटी का शेप देंगे, हम इसमें बेलन नहीं चलाएंगे, आपकी परतें खराब हो जाएंगी। तो हल्के हाथों से आप इसको स्प्रेड करेंगे ना आपकी रोटी। तो ये अभी हम हल्के हाथों से इसको ऐसे 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 स्प्रेड करेंगे, ये हो जाएगा। हाँ, बेलन यूज नहीं करेंगे, केला परोठा इतने ही साइज का होता है, जिनने खाया उनको पता है। आप इसको जरूर घर में इस लॉकडाउन में ट्राई करना, ये चिकन के साथ यम लगता है, एग करी बहुत अच्छा। तो कोई भी नॉन वेज या वेज भी अगर आप कुछ बनाएंगे ना, कोरमा या उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इसको ऐसे बनने के बाद, सिकने के बाद इसको हल्के हाथों से ऐसे डैप करते हैं तो इसकी परतें निकल आती हैं। तो दोनों तरफ से जब तेल से अच्छे से आपने उसको सेक लिया उसके बाद ऐसे मारेंगे तो उसकी परतें निकल आएंगी। तो करीब 30 हमारी परोठास बन गए और अच्छी परतें निकली हैं, सॉफ्ट है अंदर से और इतना टेस्टी। आप तो गरम गरम ही ऐसे खा लो, इतना टेस्टी बनता ही है। तो इसको आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और मुझे जरूर बताना कि आपको ये केरला परोठा की रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस चैनल को प्लीज आप जितना प्यार देते आए हैं वैसे ही दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरी वीडियो को जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय।